हेलो हाय एंड वेलकम टू इंडियाज फर्स्ट इंटरैक्टिव मोबाइल न्यूज चैनल अमर उजाला टीवी। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्मों के रिव्यू। इस हफ्ते रिलीज हुई है 3 फिल्में, राजी, होप और हम, द पास्ट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिल्म राजी के बारे में, और राजी के बारे में जानने के लिए हम चलते हैं मेरे सहयोगी पुनीत सिंह के पास। वो बताएंगे कि कैसी है ये फिल्म। तो पुनीत, कैसी लगी आपको फिल्म राजी और राजी की मेन एक्ट्रेस आलिया भट्ट की एक्टिंग? फिल्म राजी क्यों देखी जाए, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट वजह है क्योंकि फिल्म में आलिया भट्ट हैं। आलिया भट्ट ने जिस तरह से अपने किरदार को निभाया है वो काबिले तारीफ है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी में अगर आलिया भट्ट की जगह कोई और होती तो शायद फिल्म का एक किरदार बहुत हल्का हो जाता। आलिया भट्ट जिस तरह से अपने हर किरदार को निभाती हैं और जिस तरह से अपने किरदारों के साथ एक्सपेरिमेंट करती हैं, इस फिल्म में भी उन्होंने अपने किरदार के साथ एक बेहतरीन एक्सपेरिमेंट किया है। जिस तरह से उन्होंने एक रोल किया, एक बेटी का, एक बीवी का और एक स्पाई का, उन तीनों में एक साफ साफ अंतर देखा जा सकता था। स्क्रीन पे जब जब आलिया आती थी तो स्क्रीन से आंख नहीं हटती है। आलिया की परफॉर्मेंस जबरदस्त है। अगर फिल्मों की बात करी जाए तो अभी तक की बेस्ट फिल्मों में से इस फिल्म का नाम सबसे ऊपर आता है। और आलिया जिस तरह से कॉन्फिडेंट दिख रही थी, पहले जिस तरह से फिल्म के ट्रेलर के वक्त कहा गया था कि ये एक स्पाई का जो किरदार होता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसको किस हद तक आलिया निभा पाएंगी उस पर लेकर क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए थे। लेकिन आलिया ने यहां पर साफ साफ उन सभी सवालों को खत्म कर दिया क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त है। आलिया ने अपने किरदार को निभाने के लिए जिस तरह से एक पूरा अपना ट्रीटमेंट लिया वो जबरदस्त था। जिस तरह से वो स्क्रीन पे जो ट्रीटमेंट कहा जाता है वो बहुत ही बेहतरीन था। आलिया का जो कॉस्ट्यूम था, आलिया के उस कॉस्ट्यूम के साथ आलिया का जो वो रोल जो वो प्ले कर रही हैं, वो दोनों को एक दूसरे के साथ सिंक करता नजर आया। अगर फिल्म की कहानी थोड़ी सी और अच्छी होती तो आलिया का जो किरदार है वो उस फिल्म को कहीं और ले जाता। आलिया की जो परफॉर्मेंस है उस फिल्म को कहीं और ले जाती। हालांकि फिल्म की कहानी में कहीं बीच बीच में थोड़े बहुत लूपोल्स देखने को मिले, फिल्म की कहानी थोड़ी सी कहीं ना कहीं बीच में भटकी हुई दिखाई दी, लेकिन आलिया की परफॉर्मेंस ने वो जो कमियां थी उन सबको पूरा कर दिया, पूरी तरीके से छुपा कर रख दिया। ऑडियंस कहीं पर भी आलिया जब जब स्क्रीन पर आती थी तो उनकी परफॉर्मेंस से कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि बोर हुई हो। पिक्चर देखकर लोग बाहर निकले, लोगों से बातचीत की कि आलिया की परफॉर्मेंस लोगों का क्या कहना है, तो हर किसी का भी ये जवाब नहीं था कि आलिया की परफॉर्मेंस में उन्हें कोई खराबी दिखी। हर किसी का कहना था कि आलिया की अभी तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है। तो आलिया की अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो ये फिल्म को अगर फायदा पहुंचता है तो सिर्फ और सिर्फ आलिया की परफॉर्मेंस की वजह से ही इस फिल्म को फायदा पहुंचेगा। ये तो बात हुई आलिया की परफॉर्मेंस की, लेकिन अब बात करते हैं फिल्म की बाकी जो स्टार कास्ट है उसके बारे में। तो आलिया भट्ट के बारे में तो आपको बता ही चुके हैं कि इस फिल्म की कहानी सिर्फ और सिर्फ आलिया की वजह से ही पसंद आती है। अगर आलिया की जगह कोई और इसमें कास्टिंग होती तो शायद कहानी, आलिया का जो किरदार है वो एक दूसरे के साथ सिंक नहीं होता और फिल्म का बुरा हाल हो सकता था। लेकिन यहां पर आलिया ने बेहतरीन रोल किया है। उसके साथ साथ अगर विक्की कौशल की बात की जाए तो विक्की कौशल जो कि आलिया के पति के किरदार में है, वो किरदार एक ऐसा किरदार है कि जो कि स्क्रीन पर सिर्फ आता जाता रहता है। विक्की कौशल की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो विक्की कौशल हमेशा अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देते हैं और इस फिल्म में उनको बहुत कुछ ज्यादा करने के लिए नहीं मिला, लेकिन विक्की स्क्रीन में सिर्फ और सिर्फ आने जाने का ही उनका जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी रहता है। वहीं पहली बार स्क्रीन पर सोनी राजदान, आलिया की जो रियल लाइफ में माँ है, वो रियल लाइफ में उनकी माँ का रोल प्ले करती नजर आ रही है। तो सोनी राजदान ने बखूबी आलिया की जो वो केमिस्ट्री है दोनों माँ बेटी की, वो स्क्रीन पर भी देखने में साफ साफ समझ आ रही थी। और सोनी राजदान और आलिया की अगर केमिस्ट्री की बात करें तो लोगों को वो केमिस्ट्री भी काफी पसंद आई। वहीं दूसरी तरफ जयदीप अलावत और रचित कपूर दोनों के किरदारों की बात करें तो दोनों के किरदार अमूमन जैसे हर फिल्मों में देखने को मिले हैं, जैसे कि जयदीप अलावत का जो किरदार पहली फिल्मों में रहे हैं उसी से मिलता जुलता किरदार रहा है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं दिखाया है। और रचित कपूर की बात करें तो रचित कपूर एक बहुत ही मजे हुए कलाकार हैं, उनको जिस तरह का रोल दिया जाता है वो उसको बखूबी निभाते हैं और यहां पर भी वही हुआ। शायद अगर उनको एक और कुछ बेहतरीन उनके किरदार को लिखा जाता तो रचित कपूर का एक इंपैक्ट जो था स्क्रीन पर वो बहुत ज्यादा हो सकता था। फिल्म के डायरेक्शन की बात की जाए तो इससे पहले भी मेघना गुलजार फिल्म तलवार में अपनी डायरेक्शन का लोहा मनवा चुकी हैं, लोगों को बहुत पसंद आया था उनका डायरेक्शन। और फिल्म राजी के अगर उनके डायरेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर उनका डायरेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। फिल्म की जो कहानी है, जिस तरह से वो किरदार हैं, अगर कहीं पर कोई कमी दिख रही थी तो जो कुछ जगह शॉर्ट्स लगाए गए, कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करती नजर आई मेघना गुलजार, और खासतौर पर 1971 की जो वॉर थी वो जिस तरह से दिखाई गई वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई गई। और एक स्पाई के किरदार को जैसा जस्टिफाई करना चाहिए एक इतने बड़े
पर्दे पर और आलिया जैसी एक एक्ट्रेस को अच्छे से यूज कर पाए उस फिल्म में, उस किरदार में, ये काबिले तारीफ है। तो मेघना गुलजार ने कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी और आलिया दोनों ही एक दूसरे के लिए बने थे, साफ साफ ऐसा लग रहा था। वहीं अगर मेघना गुलजार थोड़ा सा कास्टिंग पे और जोर देती और कास्टिंग में थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स और करती, या जो कास्ट किए गए एक्ट्रेस थे उनके किरदार पर भी थोड़ा सा मजबूती से ध्यान देती, जैसे कि विक्की कौशल के साथ वो एक अच्छा एक्सपेरिमेंट कर सकती थी, उनका किरदार को और दमदार बना सकती थी, रणजीत कपूर के किरदार को और दमदार बनाया जा सकता था, जिससे एक और इंपैक्ट होता ये पूरी फिल्म की कहानी पर। तो थोड़ी बहुत कुछ कमियां रह गई, लेकिन मेघना गुलजार के अगर डायरेक्शन की बात करें तो मेघना गुलजार के डायरेक्शन में कमी कहीं से देखने को नहीं मिली। इससे पहले फिल्म तलवार में भी उनको काफी ज्यादा तारीफ मिली थी और राजी में भी उनको यहां पर तारीफ ही दी जाएगी। फिल्म के म्यूजिक की अगर बात करी जाए तो फिल्म का म्यूजिक दिया है शंकर एहसान लॉय ने। ये जो तिकड़ी है ये हमेशा से सिल्वर स्क्रीन पे धमाल मचाती नजर आई है और जो लिरिक्स लिखे हैं वो गुलजार साहब ने लिखे हैं, तो इसमें कहीं से भी कोई कमी नहीं है। और खास तौर पे जब ए वतन गाना आता है तो वो गाना एक अंदर तक छू कर जाता है। उसके जो लिरिक्स हैं और उस पर जो म्यूजिक है, जिस तरह से उसे गाया गया है, वो गाना जब बज रहा था तो पूरा हॉल एकदम चुपचाप सन्नाटे में सुनता है, तो कहीं ना कहीं लोग उस गाने से अपने आप को कनेक्ट करते नजर आ रहे हैं। और अरिजीत ने इस फिल्म में गाने गाए तो अरिजीत की आवाज का जो जादू चलता है वो इस फिल्म में भी देखने को मिला। लेकिन अगर गानों की बात करी जाए तो इस फिल्म में सिर्फ दिलबरों और ए वतन जो सॉन्ग है वो खासा एक पकड़ बनाता नजर आया। उसके अलावा के जो गाने थे उनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला। उन गानों को लेकर बहुत ज्यादा एक कानों को और वो कहीं छू जाने वाली जिस तरह की फिल्म थी, जिस तरह का किरदार था, वो गाने एक फिल्म के साथ अलग हटते नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से अगर म्यूजिक की बात करी जाए तो म्यूजिक पर बहुत और अच्छा कुछ नया किया जा सकता था। कुछ जिस हिसाब से गुलजार साहब ने गाने लिखे थे उसमें कुछ उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते थे। म्यूजिक डिपार्टमेंट की अगर बात करी जाए तो उसमें थोड़ी बहुत कमी रह गई। अगर थोड़ी सी और मेहनत होती या कुछ नया होता या आज अगर कहानी के हिसाब से कुछ चूज किया जाता तो म्यूजिक और अच्छा हो सकता था। अब फिल्म में आता है टेक्नीशियन और कॉस्ट्यूम का हिस्सा। अगर टेक्नीशियन और कॉस्ट्यूम के हिस्से की बात की जाए तो बखूबी उन लोगों ने बहुत मेहनत की है। टेक्नीशियंस ने जिस तरह से उस वॉर को और जिस तरह से उस दौर की फिल्म को, उस दौर की कहानी को दिखाने की कोशिश की है, उसको बड़े पर्दे पर बखूबी दिखाया है। वहीं दूसरी तरफ अगर कॉस्ट्यूम की बात करी जाए तो आलिया और बाकी किरदारों का जो कॉस्ट्यूम है, जो गेटअप है, जो कहानी की रिक्वायरमेंट थी उसके साथ पूरी तरीके से मैच करता नजर आया, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं रही। और जिस तरह से सेट बनाया गया, उस दौर के सेट को बनाकर उसको क्रिएट कर शूट किया गया, उसको कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि शायद इसमें कुछ और चेंजेस होते तो फिल्म की जो कहानी है और जो सेट है, जो लोकेशंस हैं, जो कॉस्ट्यूम्स हैं, जो किरदारों का गेटअप है वो उनके साथ मैच करे, उसमें से कहीं पर भी कोई कमी नहीं रह गई। तो ये था पूरा फिल्म राजी का रिव्यू। और अगर बात करी जाए फिल्म राजी की कमियों की तो सबसे बड़ी कमी फिल्म के किरदार थे। अगर किरदारों को थोड़ा सा और मजबूत बनाया जाता तो फिल्म की जो कहानी है वो और बेहतरीन निकलती। लेकिन अगर फिर भी बात करी जाए फिल्म की कहानी, फिल्म के डायरेक्टर की, फिल्म की एक्ट्रेस आलिया की और फिल्म की म्यूजिक की, तो ये सब बहुत ही सदा हुआ था। और अगर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, फिल्म राजी ने लोगों को राजी कर लिया है कि वो ये फिल्म देखने जरूर आएं। अमर उजाला टीवी फिल्म राजी को देता है 3 स्टार। तो ये था फिल्म राजी का रिव्यू। अब चलते हैं जनता के पास कि उनको कैसी लगी फिल्म राजी। गुड डायरेक्शन बाय मेघना गुलजार, ब्रिलियंट एक्टिंग बाय आलिया भट्ट। खास मुझे आलिया भट्ट की बेस्ट परफॉर्मेंस है अभी तक की। हाईवे और उड़ता पंजाब से भी अच्छी परफॉर्मेंस है। शी इज़ ग्रोइंग एंड ग्रोइंग वेल एंड 5 out of 5 stars। म्यूज़िक अच्छा है, बहुत अच्छा म्यूज़िक है, बांधे रखता है मूवी में एंड तक। और या इट्स एन इंटरव्यूइंग फिल्म, स्पाई थ्रिलर है, बहुत अच्छी फिल्म है। एक्चुअली मूवी बहुत अच्छी लगी मुझे और आलिया भट्ट की एक्टिंग बहुत अच्छी थी और मुझे मूवी देखना पूरा अच्छा है। एक्चुअली खास जो भी सस्पेंस था, हर मूवी का मूवमेंट हम इंजॉय कर रहे थे आगे, जो सस्पेंस था बहुत ही अच्छा था। एक्चुअली म्यूज़िक भी, जो लास्ट वाला सॉन्ग था वो बहुत ही हार्ट टचिंग सॉन्ग था, आई थिंक म्यूज़िक भी अच्छा था। एक्चुअली पुरुषा डिटेक्टिव का रोल बहुत बढ़िया किया उन्होंने, वही मुझे बहुत अच्छी लगी। आलिया भट्ट ऑब्वियस एंड कौशल जी भी बहुत बढ़िया, बाकी तो है ही सब बहुत बढ़िया। एंडिंग म्यूज़िक बहुत बढ़िया, 5 out of 4.5 आई गेस। आलिया एक्टिंग वॉज वेरी नाइस, द सस्पेंस वॉज नाइस, द लास्ट सस्पेंस वॉज क्वाइट गुड। Amazing, amazing. I like the song "A Vatan." Amazing. I love her. Everything good. Nice, very nice. Everything was nice. अच्छी पिक्चर है, स्टोरी अच्छी है, आलिया ने बहुत अच्छा काम किया है और डायरेक्शन इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा है। मतलब बहुत दिन के बाद एक अलग मूवी देखने को मिली, अदरवाइज जाते थे ऐसे ही देखता क्या, ना कोई स्टोरी होती थी ना कुछ मज़ा आता था, बट
बहुत दिन के बाद एक अच्छी पिक्चर देखने को मिली, बहुत अच्छा लगा. वेरी गुड, वेरी गुड डायरेक्शन, वेरी वेरी गुड डायरेक्शन, एंड आई शुड गिव फोर स्टार्स. एक्चुअली वी कैन नॉट से दिस इज अ म्यूजिकल मूवी, बट म्यूजिक इज गुड. अच्छे थे गाने, अच्छे थे. वो जो देशभक्ति का गाना था उनका, पाकिस्तान का, देट वॉज गुड. अच्छा था, गुड. बहुत अच्छी लगी. हाँ, पिक्चर बहुत अच्छी है, पिक्चर सबको देखनी चाहिए. और स्पाई वाला कॉन्सेप्ट लिया है, हार्ट टचिंग है एकदम, और बहुत अच्छा. आलिया भट्ट ने इसमें बहुत अलग से, मैंने इतना अच्छा काम किया कि शब्दों में बयान मुश्किल है. बहुत ही अच्छा रोल किया है. मेघना गुलजार का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है. पाकिस्तान में रावलपिंडी, कराची, कश्मीर, ये जो सीन सीनरी है जिसको पिक्चराइजेशन कहते हैं, वो भी बहुत अच्छी, वेरी नाइस. म्यूजिक एक ही गाना है बैकग्राउंड में, लेकिन बहुत ही अच्छा है. इसमें बहुत दिनों के बाद 5 में 5 स्टार देने लायक मूवी है ये. अब बात करते हैं इस हफ्ते की रिलीज हुई दूसरी फिल्म होप और हम के बारे में. इस फिल्म के रिव्यू के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी पुनीत सिंह के पास. पुनीत, कैसी लगी आपको होप और हम? तो अब बात करते हैं फिल्म होप और हम की. अगर इस कहानी की बात करी जाए तो फिल्म की कहानी बहुत ज्यादा बोर करने वाली है. फिल्म इंटरवल से ज्यादा नहीं देख, खासतौर पे मैं अपनी बात करूं तो नहीं देख पाया. मेरे साथ कुछ और भी लोग देख रहे थे, वो भी फिल्म की कहानी से बोर हो चुके थे. फिल्म में सिर्फ और सिर्फ नसीर साहब है, नशरुद्दीन शाह की एक्टिंग के जो भी फैंस हैं वो उनके नाम पर फिल्म को देखने जरूर जाते हैं, लेकिन निराश होकर ही वापस लौटते हैं. फिल्म में नसीर साहब के अलावा सोनाली कुलकर्णी है. अगर स्टारकास्ट की बात करें तो स्टारकास्ट कोई में कोई भी ऐसा नाम नहीं है सिर्फ नसीर साहब को छोड़ के जिसकी वजह से फिल्म देखी जाए. अगर आप नसीर साहब के फैन हैं, उन्हें सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर देखना चाहते हैं और सिर्फ उनको देखना चाहते हैं कि वो इस फिल्म में आखिर कर क्या रहे हैं, तो इस फिल्म को देखने के लिए जा सकते हैं. इसमें कोई खास वजह नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से फिल्म देखी जाए. फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो फिल्म का म्यूजिक भी बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है. फिल्म की कास्टिंग इंप्रेसिव नहीं है. फिल्म की कहानी भी नहीं है. सिर्फ और सिर्फ फिल्म एक ही वजह से देखी जा सकती है, क्योंकि उसमें नशरुद्दीन शाह, एक ऐसा नाम जो अपने आप में एक एक्टिंग का इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, और नसीर साहब के आप फैन है तो इसको देखने के लिए आप सिनेमा घर जा सकते हैं. तो चलिए अब चलते हैं जनता के पास और जानते हैं कि उनको कैसी लगी फिल्म होप और हम. ओके ओके, थी लाइक अच्छी थी. फैमिली के लिए अच्छी बोलूंगी मैं कि अच्छी ठीक लगी मुझे. क्या खास क्या लगा आपको फिल्म में? सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलूंगी कि नसीरुद्दीन शाह का काफ़ी टाइम बाद ये मैं कमबैक कह सकती हूँ कि बहुत, मतलब काफ़ी गैप के बाद उन्होंने ये फिल्म की, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि वो इस एज में भी इतनी अच्छी एक्टिंग एंड ऑल सबके साथ छोड़ नहीं रहे हैं. वो लाइक अपना जो कहते हैं ना, एक अपना ऑरा एक बना के रखे, अपनी एक जो उनकी पहचान है, स्टिल इट इज़ देयर, स्टिल इट कैन बी सीन इन फिल्म ऑल्सो एवरीवेयर. उनकी एक्टिंग हो, चाहे उनका बिहेवियर हो, एनी थिंग. सो बेसिकली आई लाइक हिज एक्टिंग, आई लाइक हिम ऑल्सो पर्सनली. सो या, ही इज़ द मेन थिंग, ही इज़ द मेन कैरेक्टर विच आई लाइक इन द फिल्म. एंड द फिल्म हैज़ अ वेरी गुड मैसेज. इट इज़ बेस्ड ऑन लाइक दैट बच्चा जो है उसके ऊपर है. दे बोथ आर प्लेइंग एज लीड. तो या, सो आई जस्ट लाइक दैट कि वो स्टोरी पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा. सोनाली कुलकर्णी की एक्टिंग कैसी लगी? दैट्स नाइस. ऑब्वियसली शी इज़ अ कमेंडेबल एक्टर, सो शी इज़ गुड. एक्चुअली उसमें जो नसरुद्दीन की जो एक्टिंग थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन स्टोरी वाइज अगर जाए तो फिर इतना कुछ खास नहीं था. मतलब जैसा ट्रेलर देखा वैसा इतना कुछ खास नहीं था मूवी में. कितने स्टार्स देंगे आप इस फिल्म को? अमर उजाला टीवी की तरफ से हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको निराशा ही लगेगी, और अमर उजाला टीवी फिल्म को देता है 1 स्टार. तो पुनीत, क्या कहेंगे आप द पास्ट के बारे में? जी बिल्कुल, अगर द पास्ट की बात करी जाए तो द पास्ट एक हॉरर फिल्म है. सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे ये एक हॉरर फिल्म है, लेकिन फिल्म में डर नहीं लगता बल्कि हंसी आती है. फिल्म के किरदार जिस तरह से अपनी कहानी के साथ आगे आते हैं, तो कहीं से भी डर की जो बात है, जिस तरह से पोस्टर को पर क्रिएटिविटी दिखाई गई, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा. फिल्म की कहानी और डायरेक्शन पर अगर वो क्रिएटिविटी दिखाई जाती तो शायद फिल्म की कहानी का कुछ हो सकता था, फिल्म का कुछ हो सकता था, बॉक्स ऑफिस की खिड़की पर कुछ हो सकता था. लेकिन फिल्म की कहानी और जिस तरह से एक किरदार, जो एक द पास्ट का जो मेन लीड वेदिता प्रताप सिंह जो किरदार निभा रही हैं, वो किरदार अगर बहुत अच्छे से लिखा जाता और फिल्माया जाता, फिल्म की कहानी बहुत सधी हुई रखी जाती, तो फिल्म का कुछ हो सकता था. लेकिन यहाँ पर फिल्म का डायरेक्शन, फिल्म का म्यूजिक, और खासतौर पर एक हॉरर फिल्म जब आती है तो उम्मीद लगाकर ये जाता है आदमी कि फिल्म में बहुत ज़्यादा एडवेंचर होगा, बहुत ज़्यादा हॉरर सीन्स होंगे, गूज़बम्स आ जाएंगे. फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ फिल्म देखते वक्त आपको कुछ जगहों पर हंसी जरूर आ जाएगी। अगर अमर उजाला स्टार्स की बात करी जाए तो अमर उजाला टीवी फिल्म को देता है आधा स्टार, और आधा स्टार भी हम इसलिए देना चाहेंगे क्योंकि फिल्म में जो टेक्नीशियंस हैं, जो सेट जो बनाया गया है उस पर जो जिन लोगों ने मेहनत की है, जो स्पॉट बॉय के लोग हैं उन्होंने मेहनत की, उनकी वजह से अमर उजाला टीवी द पास्ट को देता है हाफ स्टार। द पास्ट देखने के बाद लोगों का क्या कहना है आइए देखते हैं। ठीक है, मतलब हॉरर फिल्म जिस तरह से होनी चाहिए, जैसे हमने कई हॉरर फिल्में देखी, राज देखी है, राज के सिक्वल देखे, जो मतलब एक डरावनापन का माहौल होता है, डराने का माहौल, वो उस तरह से कैच नहीं कर पाया फिल्म में। कहीं ना कहीं फिल्म जो है द पास्ट जो अब बनाई गई है बहुत ही मतलब नीचे लेवल बनाई गई है, कुछ डराने जैसा ऐसा कोई माहौल नहीं था नॉर्मल। मैं जितने लोग वहाँ बैठे थे, मेरे आजू बाजू में बैठे थे, वो कभी कुछ ऐसा फील कर ही नहीं पाए कि हॉरर फिल्म है। नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं लगा, बस ठीक है देखने के लिए टाइम पास, वो काम थोड़ा ठीक है, मतलब इतना कुछ खास नहीं है काम, नहीं मज़ा नहीं, नहीं ज़्यादा डरावनी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं उसमें। हमको तो पसंद नहीं आया सर पिक्चर, पसंद नहीं आया क्यों? ऐसा क्या कुछ डरावना लगी नहीं? डराना क्या है उसमें, भूतिया उतिया बहुत नाजुक है। अच्छा, मतलब है ही नहीं उसमें। नहीं। अच्छा, और म्यूजिक और एक्ट्रेस का, एक्ट्रेस का काम कैसा था उसमें, जो एक्ट्रेस जो बनी है? एक्ट्रेस का तो भूत का जो सिस्टम बनाया है वो तो सही है, लेकिन उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं, मतलब इतना कुछ खास लगा नहीं आपको? नहीं। और म्यूजिक कैसा लगा पिक्चर? म्यूजिक तो अच्छा है। डर कहीं बीच बीच में लगा आपको फिल्म देखते कि नहीं लगा? नहीं नहीं, डर लगा नहीं। भूतिया पिक्चर में कहने का मतलब सर ये है कि उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आना चाहिए, हाँ, वैसा नहीं लगा, तब मजा आता है देखने में। हाँ, पर इसमें ऐसा कुछ लगा नहीं? नहीं। बोलिए, इसमें ऐसा कुछ लगा? ऐसा कुछ नहीं लगा इसमें। तो ये थे इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्मों के रिव्यू। अगले हफ्ते आई विल बी बैक विद मोर बॉलीवुड मूवीज रिव्यू। टिल देन कीप वॉचिंग अमर उजाला टीवी।